हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग मारुति की इको आप लोग 1,10,000 की डाउन पेमेंट करके अपने घर ला सकते हो, जो कि भाई मारुति में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी इको है। वो भाई आप लोग कैसे 1,00,000 की डाउन पेमेंट करके आप घर ला सकते हो जानेंगे। इसका ऑन रोड प्राइस जो बचा अमाउंट होगा उसको अलग अलग बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट से फाइनेंस करवा करके, मतलब कार लोन ले करके उसकी मंथली EMI जानेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं मारुति इको की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जैसे एक पेट्रोल वेरिएंट और एक CNG वेरिएंट। तो पेट्रोल वेरिएंट की बात करी जाए तो ये 5-सीटर SSD पेट्रोल बेस मॉडल सबसे हमने लिया है। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो पड़ रहा है 4,63,200 रुपये का। RTO चार्जेस की बात करी जाए तो 18,528 रुपये देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस की बात करी जाए तो 29,800 रुपये। इंश्योरेंस अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, तो मैंने न्यू दिल्ली का लिया है, न्यू दिल्ली का इंश्योरेंस है। अब यहाँ पे बात करी जाए जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा जा करके 5,11,530 रुपये। तो आप लोग 1,00,000-1,10,000 की अगर डाउन पेमेंट करके अगर आसानी से आप लोग अपने घर ला सकते हो गाड़ी, तो तुरंत ला सकते हो। 80,000 के डाउन पेमेंट कर दोगे तब भी गाड़ी घर आ जाएगी। और यहाँ पे इनका जो टॉप मॉडल है, ये इनका टॉप मॉडल है मारुति इको का 5-सीटर AC पेट्रोल टॉप मॉडल। इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है वो पड़ रहा है 5,50,000। तो यार इसमें AC का शायद ऑप्शन थोड़ा ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे बात करी जाए, अगर आपने 1,10,000 की पेमेंट कर दी, जो 4,00,000 का आपने फाइनेंस करवाना चाहते हैं, तो चलते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पर और जानते हैं अपनी मंथली EMI। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो कार लोन सेलेक्ट कर लेना है। 4,00,000 अमाउंट ऑटोमेटिक इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए, मतलब क्या ब्याज मिलेगा, तो अपने ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। और यहाँ पर अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो हमने ले लिया बैंक ऑफ बड़ौदा का हमने इंटरेस्ट रेट ले लिया 7.40%। तो 7.4, तो अब हमें 4 साल के लिए चाहिए, हमने टेन और 4 साल फिट कर दिया। अब जो हम लोग की मंथली EMI बन के आई 9,653 रुपये मंथली EMI बनी। टोटल इंटरेस्ट की बात करी जाए तो पूरे 4 साल में 63,339 रुपये देने पड़ेंगे, और 86% पूरा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, 13% टोटल इंटरेस्ट होता है। टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो 4,63,339 रुपये टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके होगा। यहाँ पे बात करी जाए तो जैसे जितने साल के लिए आप लोग लोन लेते हैं उतने साल का आप लोग को चार्ट बना दिख जाता है, जिसको आप लोग 2022 2023 मतलब अलग अलग मंथली वाइज भी बता सकते हो, ईयरली वाइज भी बता सकते हो। तो इसको प्रिंट करवा करके जिस बैंक से फाइनेंस करवा रहे होंगे वहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं आसानी से। और 2022 में जैसे पता लगाना प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा, टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो बैलेंस कितना बचेगा इसको माइनस करने के बाद, टोटल पेड कितना किया 2022 में, तो आसानी से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो और लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जानते हैं अगर आप SBI बैंक से 7.45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं तो क्या रेट, देखो मैंने 4,00,000 का कार लोन 4 साल के लिए अपनी साइड पर निकाला है। अगर आप SBI बैंक से 7.45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं, मंथली EMI जो आपकी बनेगी 9,662 रुपये बनेगी। PNB से लेते हैं तो आप लोग की जो मंथली EMI 9,690 रुपये बनेगी। अगर HDFC से 7.65% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं, जो मंथली EMI 9,699 रुपये बनेगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।